मैं अंदर मौजूद हूँ विकास, विकास मैं अंदर मौजूद हूँ। ये देखिए विकास, एक्शन देख लीजिए आप। अभी सिर्फ एक मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग, किस बात का पूछ लेंगे। ऐसा सुनो, मैं कि मुझे ऊपर से ये आदेश है कि हमें ऊपर वाला सर बताइए, सुन हमारी सुन लो, ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते, एक मिनट, क्या हुआ, कोरोना हो जाएगा बताइए। कल तक तो आप कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, बताइए ना क्या हो जाएगा। अभी रुक जाओ, बताइए, बता रहा हूँ। फोन मिला रहे हैं सर, कितना ऊपर वालों से डरते हैं, इंसाफ की बात तो कीजिए। आपने वर्दी इसलिए पहनी है, इंसाफ तो दिलाइए उस पीड़ित को। अरे उसकी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं सर, काहे का डर है, किस चीज का डर। मैं रुको, बता रहा हूं। किसका डर हो रहा है, आप किसको मिला रहे हैं आप लोग, फोन बताइए क्या हुआ, किसको फोन मिला, किसको फोन मिला रहे, बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, रुको एक मिनट, क्यों मैं बता रहा हूं। बात का डर है सर, कोरोना हो जाएगा। किसका, आप कह रहे हैं ना कोरोना के कारण मीडिया को रोका गया। रुकिए, एसआईटी तो गई सर, एसआईटी को जो करना था करके गई, डीएम साहब भी कल जो करना था करके गए, तो आप तो मीडिया को जाने। एक मिनट, हम ऊपर जाकर बता दें फिर आपको बता दें। बता दीजिए फिर हम चलते हैं आगे, क्यों क्या हो गया, बढ़ने दीजिए सर, आप साथ चल लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ विक्टिम के परिवार वालों को बहला फुसला लूंगी, इसी बात का डर आप लोग को, आप साथ चल लीजिए आइए। एबीपी न्यूज पहुंच चुका है मौके पर, आपको बता दें विकास यहां से करीब एक मिनट की दूरी पर, वो देखिए सामने मनोज, वो देखिए, वो जो पूरा आपको छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वही है पीड़ित का घर, बस इतनी ही दूरी है। लेकिन ये देखिए पुलिस वाले कैसे साथ साथ चल रहे हैं, डर देखिए, किस बात का डर है, किस बात का डर है। सर आप किसको फोन मिला रहे हैं मुझे इतना बताइए। बता रहा हूँ अभी आपको सब, डीएम साहब, एक मिनट रुकिए, मैं डीएम साहब सब बता रहा हूँ। किसको फोन मिला, आप मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान आप पीड़ित परिवार को कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, बोलिए सर क्या नाम है आपका। सर सुशील कुमार जी, बताइए क्यों क्यों डर लग रहा है, किस बात का डर, रुक जाइए, किस बात का, बता रहा हूँ। आप किसको फोन मिला रहे हैं, डीएम साहब को मिला रहे हैं, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, किसको मिला रहे हैं फोन, किसको फोन मिला, आइए चलिए आइए, आप साथ चलिए, आइए साथ चलिए, आप पहरेदारी में हमको अंदर लेकर चलिए, कुछ नहीं छुपेगा, कुछ कोई बहला फुसला नहीं रहा है सर, साथ आइए, मैं बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मीडिया को आप उसका काम करने से कैसे रोक सकते हैं। एबीपी न्यूज आ गया है, देखिए सामने उधर देखिए माहौल बन रहा है, देखिए ड्रिल एक बार फिर से शुरू हो गई है, वही ड्रिल, ये यहाँ से चलते हैं मनोज, आइए मनोज, ड्रिल शुरू हो गई है भाई, आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये देख रहे हैं कैमरा ऑन है, सब कुछ लाइव जा रहा है एबीपी न्यूज पर इस वक्त, और देखिए फुल ऑन ड्रामा पुलिस वालों का, किसकी सुरक्षा में लोग, वो देखिए मैसेज पहुंच गया है, महिला पुलिसकर्मी भी डंडा लेकर यहाँ आ गई है, तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए, क्योंकि जो एक्शन होना चाहिए था अपराधियों पर वो तो ये कर नहीं पाए, दोषियों को सजा दिलाने की बजाय पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब गाँव के भीतर हम आ गए हैं, किस बात का पर्दा डाल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या छुपाना चाहते हैं आप लोग, आइए सब लोग आइए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप, हाँ बताइए किस हिसाब से, डीएम साहब से बात, डीएम साहब नहीं बोला ये किले में तब्दील कर, नहीं नहीं अब जो है अनुमति। अच्छा मुझे बस इतना बता दीजिए किसने रोका है मीडिया को, मुझे बस इतना बता दीजिए मीडिया को किसने रोका। अरे सब अधिकारियों के जो है आप बात करिए उनसे, कोई खास अधिकारी, नहीं हम लोग को जो आदेश है कि आप लोग उधर ही रहेंगे। क्या बोला है मीडिया को, नहीं आने दे, आप लोग मेन रोड से आएंगे, आप मेन रोड पे तो आपने बैरिकेडिंग लगा के किला बना दिया सर, कल से मैं वहीं पर हूँ मेन रोड पर ही हूँ, जहाँ से अगर लक्ष्मण रेखा ऐसे लांग दे आदमी तो ऐसा लग रहा है आप उसको गोलियों से छलनी कर देंगे। कौन सा अपराध कर रही है मीडिया, सवाल नहीं नहीं कोई सवाल, अपराध कर रही है, सवाल पूछना हमारा काम है ना, बताइए क्या हो जाएगा, कोरोना का खतरा, कल तक मैंने मास्क लगा लिया, कोई खतरा नहीं बताइए, हमें कोई खतरा नहीं है आपको, नहीं आपने तो मास्क भी नहीं लगाया कल तक, तो आप कोरोना के नाम पे डाल, गिर गया अभी, गिर गया मास्क, गिर गया, अच्छा ठीक है मास्क गिर गया इनका, तो बताइए अंदर जा, आ चलिए साथ चलिए ना मैडम, बस ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी आप कर दीजिए, जब मैंने कर दिया, हाँ बताइए। आपका नाम प्रवेश राणा जी है, राणा जी अच्छा लग रहा है जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्यूटी है काफी दो चार, राणा साहब आपका जमीर इजाजत देता है ये करने के लिए कि पीड़ित परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है, कहाँ दबाया जा रहा, हमें आप हमें जाने, चार दिन से आप लोगों ने ले तो लिए कैमरे पर, अरे आप इनको दिखाएं, हाँ बताइए, ले तो लिए आप, मिल तो लिए उन लोगों से, सब मिल तो लिए आप लोग, यादव जी जाएं अंदर, नहीं जाएंगे, ऐसा है हाँ। अधिकारी हैं, अधिकारियों से सक्षम हाँ। हाँ। अधिकारियों से आदेश ले लो, कोई वैसी बात थोड़ू आपसे, कोई वो कर रहे आप जाइए वो, ठीक है जी, क्या सर, क्या सर, अरे आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों, मेन रोड आप बंद कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे, वहां पर तोप के गोले खड़े कर देंगे कि जो सामने आएगा उसे भून दिया जाएगा, तो मेन डोर से आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं, खेत चोर दरवाजा होता है,
मैं रास्ते से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेन रास्ते पे से मुझे लेकर आएंगे आप अंदर? मेन रास्ते से आप मुझे अंदर लेकर आएंगे मेन रास्ते से अंदर आप मुझे अधिकार के साथ लेकर आएंगे अंदर? और ये खेत से चलने वाला आदमी चोर होता है? अरे जी आप चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे, कह रहे हैं हम चोर रास्ते से आए। कौन सा चोर रास्ता बताइए? चोर कहाँ से यार, जो ड्यूटी है हमें ड्यूटी करने दीजिए। चोर रास्ता कैसे बोला जाता है जी? हैं कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत तो से निकलने वाला चोर है? मैं चोर हूँ? नहीं नहीं चोर अपना काम कर रही हूँ मैं, चोर। आप आइए अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है? आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं, आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग? आप लोग गलत जी सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते रहिए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, ये मेन रास्ता है। चोर क्या होता है? चोर कैसे बोला आप लोगों ने यादव जी? चोर क्या होता है? आप समझे नहीं, हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन, मतलब समझाइए। ऐसा है कि इधर से निकले कौन आदमी, किस मूड में क्या है, कैसे है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी भी ड्यूटी है, 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है, हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है। आप हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। महोदय हैं आप उनसे आदेश लेकर के आप मैं रास्ते आदेश आप लोगों अच्छा हम आदेश लेकर आए, आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित में है, लिखित में आदेश है, लिखित में आदेश दिखाइए। कहाँ कहाँ गया मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए। शर्मा जी मुझे अभी आपने कहा मुझे मैम ये क्या हो रहा है, व्हाई आरंट वी अलाउड इनसाइड? मुझे चोर कहा गया अभी यहाँ, मीडिया अपना काम कर रही है, वो चोर? चोर नहीं कर, आप पहले तो इसे हटाइए, बाइक को हटा के कैसे बात होगी ना? तो आप गलत क्यों कह रहे हैं कि आपको चोर कहा गया? क्या कहा आप लोगों ने? कैमरा पर है सर, आपने कैमरा पे है, आप कह रहे हैं कि आपने चोर नहीं कहा? आपको ये कहा गया कि गलत रास्ते से आ रहे हैं आप, खेत से आना गलत रास्ता होता है? खेत से क्या थी? जब अलाउड हमें मने खेत पे काम करने वाला गलत आदमी है, खेत से गुजरने वाला हम भी हर आदमी जो खेत पे खड़ा है वो चोर हो जाए? ड्यूटी कर रहे आप एक ही बात को रिपीट, गलत बात क्यों कर रहे? आपने गलत बात कही, आप कह रहे हैं मेन रास्ते से आइए। आप बताइए मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? कौन सा मेन रास्ते से आइए? बता देंगे हम जाने से अधिकारी डीएम 4 दिन आप कौन से अधिकारी जो भी कहेंगे जान रहे ना, 4 दिन हो गया, 4 दिन में आपने मेन रास्ते से पर नहीं मारने दिया एक पक्षी को, हम कैसे आ जाते? आपकी सारी टीवी पर सब चल रहा, आप जो चला रहा चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है राणा जी, सब चल रहा है, वही कह रही हूँ मैं, आपने आने तो दिया नहीं। मैडम जो है आप आ जाइए, आप ये बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर मैम, मीडिया लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे थ्रेट हो गया? हमारा तो काम है ना तस्वीरें दिखाना, सच बताना। आप लोग अलाउड नहीं हो, अभी कोई अलाउड नहीं है, यहाँ पर जांच चल रही है, इसलिए आप अभी कल तो SIT तो गई सर, मैम SIT तो गई, फिर भी अभी चल रहा है किस चीज की जांच? अभी जो भी हुआ है यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन? मैजिस्ट्रेट हूँ, निधि भारद्वाज। आपका डेजिग्नेशन आपके पास? मैजिस्ट्रेट। तो मैम ये बताइए ना, ये दरवाजे तमाम एडजॉइनिंग रास्ते ये सब बंद करके क्या हो रहा है? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या हो रहा है? जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश है उनका पालन कर, आप एक महिला है, मैं कह रही हूँ किसी भी पद से पहले आप एक महिला है। हाँ आप सहमत है ना? फिलहाल हम मीडिया को क्यों रोक रही हैं आप? अगर पीड़ित परिवार हमसे कुछ कहना चाहता है क्यों रोक रही हैं? जब वो कहना चाहेंगे तब हम बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम चाहेंगे पर छीना गया है, आप तो जांच का हिस्सा है, आपको पता होगा उसके अंतिम संस्कार का हक परिवार से छीन लिया गया, उसका रेप किया गया, अब आप लोग उसकी इज्जत को और उछाल रहे हैं कहकर कि रेप नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं आप भी हमें कोऑपरेट करें, ठीक है? 3 दिन से ये कोऑपरेशन ही है, ये 3 दिन का कोऑपरेशन ही है कि हम बैरिकेड के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा थाने पर, चंदपा थाने पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप लोग तो यहाँ रुक रहे हैं ना, ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए, व्हाट्सएप की सुविधा है क्या? ऑर्डर मैंने कर दिया ड्यूटी, आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए। आप लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, चिल्ला नहीं रहे, आवाज बुलंद करने को चिल्लाने से कंफ्यूज मत कीजिए, आप लोग आवाज दबा रहे हैं, हमारा चिल्लाना ठीक है नहीं, लेकिन अंदर तो जाना है सर, चलिए क्यों नहीं जाना है? आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर मैं आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाई मैं नहीं दिखा सकती ऑर्डर, क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जाइए, आप खुद ही चला दिखा रहे हैं मीडिया पर, ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर नहीं मैं क्यों नहीं कोई ऑर्डर मैम क्यों मैं नहीं दिखाऊंगा, ऑर्डर दिखा दीजिए, गाड़ी मंगवाओ। कौन सी गाड़ी? आप क्या जेल भेजेंगे? अरे आप रुक जाइए ना, कौन सी गाड़ी आप आराम से जाइए, नहीं आप जैसे आए सवाल पूछने वालों को जेल भिजवाएंगे, अब आप अपने मन से कौन सी गाड़ी आप स्वतंत्र कौन सी जो आपको कहना है आप स्वतंत्र, कह रही ऑर्डर दिखा दीजिए,
जो आपको कहना आप स्वतंत्र रहने के लिए। ये घर इतनी नजदीक है घर, ये देखिए सामने इस नीम के पेड़ के पीछे घर है, नीम के पेड़ के पीछे घर है। जाऊं मैं जाऊं? आजादी है ना अधिकार? नहीं आप नहीं जाएंगे, आजादी नहीं है, स्वच्छंदता कहेंगी इसे आप। पीड़ित की आवाज को दिखाने को स्वच्छंदता कहेंगी? पीड़ित को आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उसको स्वच्छंदता कहेंगे आप लोग? मैं कह रही हूं आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तो आपको आप कुछ भी कह सकते हैं। जाए जाए मैम ना, जाए जाए। आप लिखित ऑर्डर दिखा दे, आप रोक रहे, आप लोग लिखित ऑर्डर दिखाइए, इनको बिठा दो, कहीं छाया में बिठा दो, लिखित ऑर्डर दिखा दे, बिठा दो, नहीं उधर बिठा दो, मंगवा रही हैं आप ये तो बताइए, जेल भेजेंगे मैम? चलो इनको भी बिठा दो, कहीं छाया में बिठा दो, इसको बिठा दो। हम नहीं बैठेंगे मैम, हम नहीं थके, हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम नहीं थके, हमें हम धूप पे रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है, क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार, क्या हुआ? आप साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए, पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए ये देखिए मनोज दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा, अहिंसा की बात कर रही है, हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर तो। अरे आज आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही आप, तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए, चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? बताइए, हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर का आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? क्या कर रही हैं आप बार बार? माइक के साथ आ रही हैं आप बार बार? आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं, माइक नहीं हटाएंगे आप। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है, आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे, ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता दिया ना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। मैं क्यों लेने जाऊंगी दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब जाइए ऑर्डर दिखा दीजिए आप मुझे, लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए जिसपे लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है, ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, अब जा आपको बता दिया ना कि अब जा नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों? मना कर दिया। किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमें ऊपर वाले की कोई नहीं जाएगा उसमें, किस ऊपर वाले के प्रेशर में? अबे एसआईटी की उसमें जांच हो रही ना अभी, होने तो गई, मेरे आंखों के सामने गई, मेरे आंखों के सामने गई, दिखा दीजिए कहाँ गई। नहीं कल दिखाया है, आप तो सो रहे हैं ना सर, आप तो पूरे मामले में सो रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? हम नहीं सो रहे। चलिए ये देखिए कैसे घेराबंदी हो रही है, घेराबंदी देखिए, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी भी मीडिया को ये कवर करना ये बहुत ही आम बात है। पीड़ित का दर्द दिखाया जाता है, दिखाते रहे हैं, वो कभी भी हुआ हो रेप का मामला, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या खास है इधर? गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती है आज, बापू को याद कर लीजिए सर। ये तो ठेल रही है, ये तो पूरी ताकत से ठेल रही है, ये नहीं जाने देंगे। नहीं उधर नहीं जानेंगे आपको, उधर ही। क्यों 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 आप मिस्टर बताओ सर, आज गांधी जयंती है, बापू के बारे में सुना? सब कुछ तो क्या हो रहा है ये? अच्छा आप बात मत कीजिए मैम, क्या बात मत कीजिए, बताइए तो, बोलिए ना क्या हो रहा है मैम? आप लोगों को तो हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्या हो गया है, क्या हो गया है? आइए चलिए निधि जी, चलिए साथ चलते हैं, निधि जी चलिए साथ चलते हैं अंदर, आप भी वहां देख लीजिएगा मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, और मैं पूछूंगी भी नहीं, माइक रख दूंगी, पीड़ित परिवार को जो कहना होगा कहेगा। चलिए चलिए हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं पीड़ित को उसका दर्द सुनाने का, चलिए चलिए साथ चलिए निधि जी, आइए निधि जी, लेट्स गो निधि जी, चलिए चलिए। आप क्या कह रही, कोई और जाए? निधि जी कौन सी गाड़ी आ गई, गाड़ी में भर के ले जाएंगे क्या? जो आदेश हुआ तो आप लोग लाइव है मैम, एक उदाहरण तो पेश कर सकते, आप एक महिला है साथ तो चल सकती है, अकेले जाने में आपको भेजने में शायद डर लग रहा हो, तो चल सकती, चलिए मैम चलेंगी निधि जी, चलिए ना लेट्स गो, चलिए ना मैम। हाँ कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छे मैम, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, वेरी नाइस। आपकी ये सिपाही ये जब हाथ लगा रही है तब कोरोना का खतरा नहीं है, आपको मैं हाथ लगा रही हूँ तो कोरोना का खतरा हो जाता है, बहाने की भी हाइट होती है मैम। चलिए 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 चले, कोरोना है दूर रहिए,
चलिए चलिए मैम, चलिए चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होते चलते हैं। मैम मैं नहीं हटूंगी, जब तक आप लेकर नहीं जाएंगी मैं नहीं हटूंगी। चलिए चलिए चलते हैं। रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ तो बोलिए, साथ ही चल दीजिए। चलिए मैम, आई मैं आपको छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही है? नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए। आप मुझे परिवार तक ले जाएंगी, मैं पैदल चलूंगी। कहाँ छोड़ने जा रही हैं आप? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है मैम, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यों, कहाँ लेकर जा रही है, कहाँ लेकर जा रही हैं? बताइए तो सही। जहाँ तक आप अलाउड है बस वहीं, जहाँ तक हम अलाउड है। हाँ, कहाँ ले जा रही हैं बताइए तो। चलिए जब इतना तांझा इकट्ठा कर लिया तो पूरा फोर्स लेकर चलते हैं बाहर तक। चलिए, सबकी अपनी अपनी जगह ड्यूटी लगी है, जहाँ पर वहाँ आप आइए। ये गलत कर रही हैं आप, मेरा काम करने से रोक रहे। पैदल चलिए, पैदल चलते हैं, चलिए पैदल बाहर चलते हैं। चलिए चलिए, मैं बहुत चल सकती हूँ मैम, पत्रकार हूँ, बहुत चल सकती हूँ। नहीं नहीं, पैदल चलते ना, साथ चलिए ना, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं, पैदल चलिए, पैदल चलिए। नहीं, हाथ मत लगाइए, कोरोना है, हाथ मत लगाइए। मनोज मनोज कम हियर, हट के हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग, कोरोना है ना, दूर रहिए, दूर रहिए, कोरोना है, दूर रहिए, दूर रहिए। अभी कोरोना की दुहाई दे रहे थे ना निधि जी, आप कोरोना की दुहाई दे रही थी ना, हाथ क्यों लगा रहे हैं आपके सिपाही, क्यों लगा रहे हाथ? दूरी मेंटेन कीजिए। क्या हो रहा है? गाड़ी में नहीं बैठेंगे मैम, पैदल लेकर चलिए, पैदल चलिए, चलिए पैदल चलिए। क्या हुआ? चोर रास्ते से जिस रास्ते से आप आए, आपने कहा चोर रास्ते, आप जिस किस रास्ते से आए, मैं तो खेतों से आई। चलिए खेतों, नहीं नहीं, आप तो उसको चोर रास्ता बता। नहीं 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 नहीं, अब आप पैदल लेकर चलिए और दिखाइए कहाँ मेन रोड से एंट्री है, वो दिखाइए मेन रोड की एंट्री। आइए जिधर मेन रोड की एंट्री, मेन रोड की एंट्री दिखाइए। चलिए 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 चलिए, नहीं नहीं, मेन रोड से चल रहे हैं, मेन रोड से चल रहे हैं। पहले आप जिस रास्ते से आई उधर चलिए, वहां से मैंने, वहां से मैंने, नहीं मेन रोड से, वहां से मैंने रास्ता जाएंगे, रास्ता है ना, सब देखेंगे सर आप लोग। आइए आइए प्लीज, मेन रोड से, मेन रोड ले चलो मैडम, ले चलो, ले चलो मनोज। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, कोरोना के नियम भूल गए, धक्का मुक्की करेंगे, क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी की हाथ ही लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ ही लगाएंगे आप, दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए, डोंट यू डेयर टच हिम, वो अपना काम कर रहे हैं, दूर रहिए, दूर रहिए, हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक नहीं है आप, ठीक नहीं है, आप पैदल चलिए, व्यवहार हम अच्छा नहीं कर रहे, आप मीडिया को काम नहीं जाएंगे, काम कर, आप काम करने से रोक रहे हैं, वो गुंडागर्दी काफी नहीं, ऑर्डर दिखाइए डीएम साहब, ऑर्डर ऑर्डर दिखाइए आप डीएम साहब, डीएम साहब मुँह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है, ऑर्डर दिखाइए डीएम साहब के पास, जाओ आप ऑर्डर दिखाइए, वहाँ से ऑर्डर ले, ऑर्डर दिखाइए। मैं ऑर्डर क्यों लेकर, ऑर्डर ऑर्डर का पालन आप, हमारे पास ऑर्डर नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे आप, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, क्या चिल्ला के रही हैं आप, चिल्ला के रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं, गांधी जयंती है, चिल्लाइए मत, गांधी जयंती है, इन्होंने तो बैज ही नहीं लगाया है। ए आप अपना नाम, इनका नाम का बैज कवर कीजिए जरा पहले, ये जो धकेल रहे हैं इनका बैज कवर कीजिए, क्या नाम है इनका, धकेलेंगे नहीं आप, आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, आप धकेले हाथ, आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, वो चल रहे हैं आप हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए ये हालात है, देखिए दो लोगों की टीम को, एबीपी न्यूज की सिर्फ दो लोगों की टीम को, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम दो लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए, मनोज तस्वीरें दिखाइए, उधर भी दिखाइए, कैसे मूक दर्शक बनकर खड़े हैं ये सब लोग, सवाल का जवाब नहीं है किसी, ना ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, बस ऑर्डर का पालन करते जा रहे हैं। ये देखिए हालात, ये देखिए, आपको फीड चाहिए होगी एबीपी न्यूज से ले लीजिएगा, इतनी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, सबके आदू है कैमरे में, आते जाइए आते जाइए, जब आते हैं ना पीछे, जब आप लोग गप्पे मार रहे हैं, इस जो गप्पे गप्पे मार रहे हैं, ये चले जाएंगे जब आएंगे वो। हाँ क्या हुआ मैडम, कुछ कह रही हैं आप? आपसे नहीं, हाँ। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करने दीजिए। ले जाओ कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए मनोज, ये सच की ये उत्तर प्रदेश की असलियत देख लीजिए, हाथरस पुलिस की असलियत देख लीजिए, ये हालात है,
ठेल देंगे, ठेल कर बाहर ले जाएंगे उसी चोर रास्ते से जहाँ से एबीपी न्यूज आया, कहा गया चोर रास्ते से अंदर आए हैं। अब ये पूरा अमली जामा उसी चोर रास्ते से हमें वापस लेकर जा रहा है। देखिए हालात गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप हाथ हाथ लगाए बगैर नहीं चल सकते, इनका बैग दिखाइए मुझे पहले। क्या नाम है आपका? आपको कोरोना? अरे बैग ही नहीं है, इनका तो बैग ही गायब है। मैंने दिखाइए बिना बैग के धकेलने में लगे जो, दिखाइए दिखाइए बैग साहब। अब आप पीछे चले गए, बैग ढूंढने गए भाई साहब। हाँ निधि जी, कहाँ तक लेके जाएंगी, कहाँ तक लेके जाएंगी? हेलो, अच्छा ये तो बात करिए, क्या हो रहा है सर? गाड़ी का ऑर्डर, मैं तो पैदल आई हूँ सर, गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे? मैं तो पैदल आई हूँ सर, गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे हैं? तो हम छोड़ दें? कैसे छोड़ेंगे, गाड़ी में तो मैं नहीं बैठूंगी आपकी, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं आपकी। परिवार को यहाँ बुला लीजिए ना, घर पे जांच प्रभावित हो जाएगी, किसी एक शख्स को बाहर ले आइए, बाहर ले आइए ना सर। डीएम साहब से, डीएम साहब का क्यों दुहाई दे रहे हैं आप? ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे क्या? डीएम साहब, डीएम साहब से मिलो ना, जिले के मालिक हैं वो, वही मालिक है जिन्होंने आपको कहा है कि मीडिया को काम न करने दिया जाए। किससे बोला है? कुछ जाए बोलिए, इतना है एसआईटी की जांच हो रही है, उसके बाद तब तक क्या कर देगी मीडिया आके सबूत पिटा देगी, क्या कर देगी, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? क्यों इतना रोक रहे हैं आप लोग, इतना डर किस बात का सर, किस बात का? कोरोना का डर तो आप लोगों से किसी में नहीं दिखाई दे रहा, जिस झुंड में आप खड़े कोरोना का डर तो यहाँ नहीं है। नहीं है। हाँ, आप कह रहे नहीं है। चलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, पहली बात। हाँ, तो बताइए कोरोना का डर तो पैदल चल, पैदल चलेंगे? एसआईटी यहाँ पर नहीं है। आप पैदल चलेंगे? मैं पैदल चलकर आई हूँ, पैदल चलकर आई हूँ, पैदल चल कर जाऊंगी, लेकिन परिवार से मिलना है। या तो आप गाड़ी में बैठ लीजिए, परिवार से मिलना है। अभी नहीं मिल पाएंगे, परिवार रो रहा है, आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, परिवार से मिलने दीजिए सर प्लीज, परिवार से मिल, परिवार से मिलवा दीजिए। नहीं नहीं आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप ठेल, मैम आप कोरोना का डर चला गया, आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था, क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं निधि जी, आप ठेल रही हैं, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? आगे पकड़ो, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग, खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में, क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है? के पास कहने को कुछ नहीं है, आप लोग ठेल रहे हैं गाड़ी के भीतर, क्या हो रहा है? आप खुद महिला, आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती है? बोल रहा है आज गांधी जयंती है, आपने भी कोर्स में पढ़ा जरूर होगा बापू के बारे में, इधर से आ जाइए। नहीं वो नहीं आएंगे, वो तो काम कर रहे हैं मैम अपना, बताइए ना। हम भी अपना काम कर रहे हैं। क्या काम? मैं कह रही हूँ आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, इतने असहाय कैसे हो सकते हैं आप लोग, एक ऑर्डर दिखा दीजिए। हम आपको ऑर्डर दिखाने के लिए वो नहीं है, ऑर्डर क्यों नहीं? हाँ, दिखा सकते? नहीं आपको हम नहीं दिखाएंगे, गुंडागर्दी है मैम, ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, ये क्या बात होती है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले जाऊंगी कुछ हो जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, बहुत देर हो गई, आप खेल नहीं रहती है, अब हाथ ही लगाएंगे, अब हाथ ही लगाएंगे, अब कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको, क्या हो रहा है? चलिए हाथ क्यों लगा रही है आप, क्या हो रहा है ये, क्यों खेल रहे आप? निधि जी कोरोना का डर चला गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये What is happening? हाथ कैसे लगा रहे आप लोग, क्या हो रहा है ये, कैसे हाथ लगा रहे आप लोग, क्या हो रहा है? मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए, नहीं बैठेंगे गाड़ी में, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, आप पीड़ित परिवार से नहीं, नहीं मिलवा पाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलवाइए आप, नहीं आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलवाइए, चलिए सर अंदर चलते हैं, पीड़ित परिवार नहीं जा पाएंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं क्या हुआ, आप उनको अकेले जाके कोई निर्देश मत दीजिए, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, मनोज अधिकारी कैमरा बंद नहीं करेंगे, एबीपी न्यूज सच दिखाता है, कैमरा बंद नहीं करता, बोलिए कहां तक छोड़ कर आएंगे आप लोग, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे आप लोग, क्या हुआ अंदर नहीं जाने देंगे, किसी के पास भी जवाब है इन सवालों का, ऑर्डर दिखा दीजिए, पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, कौन सी जांच प्रभावित हो रही है, कुछ बताएंगे? हाँ जी, कौन कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, बताएंगे? नंदी जी, निधि जी, निधि जी,
कहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं आप लोग? पीड़ित परिवार का घर तो 500 मीटर से भी कम दूरी पर था, बाहर का रास्ता लंबा है, कष्ट कम होता आपको अगर परिवार से मिलवा देते। निधि जी, निधि जी चलिए। आप ठीक हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपके साथ किसी तरह की ज्यादती तो नहीं की जा रही है? आपके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा रही है? फोन नहीं करो, मैं ना मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठा। क्या आपका मोबाइल फोन लेकर गए फोन? वो सब लाइट गया है, आप लोग कुछ शर्म आनी चाहिए। और ये देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है वहाँ से जो आवाज आ रही है उससे साफ लग रहा है कि प्रतिमा मिश्रा हमारी संवाददाता उन रोलिंग रखेगा क्या हालात है वापस हम पैदल जाएंगे। चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी शक्ल ठीक से काम करके भाई साहब तो बहुत लाइव हटाने की आग लगी। इनकी शक्ल दीजिए क्या सर? हाँ मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो, टेंशन मत। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये मुझे कहाँ जाए बताइए सत्ता लगाकर? ये बहुत अच्छा तरीका है आपका, एक महिला की मौजूदगी में आप खिलवा रही है, घुसवा रही है और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ बहुत सम्मान है ये, पार्टी की कोशिश कर रहे सम्मान है ये। नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, डर भी आएंगे नहीं, जल्दी कर। अरे हेलो डर नहीं बता रही, तुम्ही लोगों का जाएगा जो जाएगा, सुमान क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं आते यार महिलाओं को तुम लोग इस तरह की जमीन से मान जाता तुम लोग? बाहर जाए हाथ दब रहा है, साइड है तो ना तो खोल के खड़ी रहोगी तो कैसे होगा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, आप जिस व्यक्ति से कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? चले चले। हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है ये? क्यों खेल रहे आप? करने दीजिए आप। चोर रास्ता कैसे बोला जाता जी आप? हैं? कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत लिखा तो से निकलने वाला चोर है? मैं चोर हूँ? नहीं नहीं चोर मैं काम कर रही हूँ, मैं चोर। आप आइए अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है? आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं, आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग? आप लोग गलत जी सर, आप गलत रास्ते जा रही हैं, आप मेन रास्ते जाइए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड। इस वक्त की खबर यह है कि प्रतिमा मिश्रा जो कि पीड़ित परिवार से मिलने गई थी उनको जोर जबरदस्ती रोका गया, उनको आदेश नहीं दिखाया गया किसी तरह रोकने का, लेकिन उसके बावजूद उनको
जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाया गया है। प्रतिमा मिश्रा ने हजारों बार मांग की कि उस ऑर्डर को दिखाइए जो ऑर्डर आपको रोकता है हमें यहां पर। अधिकारी ये तो कहते रहे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता जैसी वहां कोई चीज नहीं नजर आई। बूटों की छाप से गांव में दहशत फैलाई जा रही है, मीडिया को डराया जा रहा है, पीड़ित परिवार को घेराबंदी करके पहरे में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एबीपी न्यूज के सवालों से घबराए वहां तमाम अधिकारी। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा और कैमरामैन मनोज अधिकारी को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं। हमारी रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने लगातार कहा कि वो पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद डरी सहमी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए। और तस्वीरें आ रही हैं पुलिस की गाड़ी की, प्रतिमा मिश्रा पीड़िता के परिवार तक पहुंचे और जो हमारे साथ हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। ये महिला सिपाही आप देख रहे हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती से हमें भी इस गाड़ी में ठेल लिया है। और ये देखिए बेशरम चेहरे, वो जो यूपी की बेटी को तो नहीं बचा सके, ना उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती और बदतमीजी करने से बात नहीं हो रही है। सीधे प्रतिमा मिश्रा उस पुलिस की गाड़ी में उनको जबरन फेल कर बिठाया गया, उनको अब अनजान जगह पर ले जाया जा रहा है। लगातार मांग करने के बावजूद प्रतिमा मिश्रा पुलिस के हाल है, ये देखिए ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहां से हम आए थे, तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुसाई। एबीपी न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया, और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल रही है, और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहां से धकेला गया, जबरदस्ती की गई, मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं। जहां से एबीपी न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता, ये देखिए हालात यहां के। ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आधे रास्ते तक आने के बाद जब एबीपी न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को पुलिस जो सिपाही है उन्होंने बिठाया गाड़ी में धकेला है, तो ये बैठ गई आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए, ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के, ये हालत है, कहाँ तक ले जाने वाली है मैडम? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, कहाँ तक ले जाएंगी बताइए? अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए क्या हुआ? ये गिरफ्तारी है क्या? ये गिरफ्तारी है बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है बोलिए। आप भी फीड उठा रहे थे, कौन किसने ढाई लीड? किसने ढाई लीड? आप लाइव फीड खराब कर दे, शो इस फेस, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये, ये लाइव फीड है, कहाँ की बोली थी ना, कहाँ बोली थी? आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे, कितने आपकी है, आपने की लाइव फीड? हमारा कैमरा किसी पर आरोप लगा दो, क्यों हटा रहे थे? कैमरा है मना है, आरोप लगा दो, तुम्हें क्या है? आगे बोलिए, मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो आरोप लगा वो लगा दो, तुम्हें जो कहोगे वो सच। आप क्या कह रहे हैं, दोषी नहीं हूं मैं? क्या दोषी क्या कह रहे? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं, दोषियों को क्लीन चिट दे रहे कौन? क्या कह रहे हैं, किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं, दोषी नहीं है इस मामले में कोई? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ, लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा? तार हटाई आपने, किसने की थी तार हटाई आपने, किसने की थी? मनोज, इन्होंने तार हटाई है। हाँ हाँ मनोज अधिकारी खुद बता रहे हैं इन्होंने तार हटाई है, आप इन्हें लाइव फीड से छेड़छाड़ की, क्यों क्यों डर रहे? क्यों किस बात का डर रहा हूँ? कहाँ लेकर जा रहा मैंने चोरी की? कहाँ लेकर जा रहा हूँ? वही छोड़ देंगे आगे, वही छोड़ दो जहाँ पे आगे मेन रास्ता वहाँ को जाना, अधिकारी वहाँ से पूछे जाना। पूछोगे परमिशन लोगो जाना अपना? मैं नाम बताओ, नाम ना ना मैं नहीं नाम बताऊँ, लग रहा है डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है नाम बताओ, डर का चोरी किया मैंने, डर लग रहा है नाम बताओ, चोरू मैं नाम बताओ।